हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुलिस थाना पचपदरा हल्का क्षेत्र में नेशनल हाईवे 25 पर हुई डकैती का 24 घंटे में पर्दाफाश। 7 मुलजिम गिरफ्तार। मय टक व माल 419 बोरी ग्वार चोरी की कीमत करीबन 50 लाख की डकैती का खुलासा। एक अवैध पिस्तल व जिंदा कारतूस बरामद। श्री दीपक भार्गव जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नितेश आर्य व वृत्ता अधिकारी वृत्त बालोतरा श्री धनफूल मीणा के निर्देशन में दिनांक 30 नवंबर 2021 की रात्रि में नेशनल हाईवे NH 25 पर हुई डकैती की वारदात का 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर लूटी गई ट्रक व माल बरामद कर 7 मुलजिमानों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्तल में जिंदा कारतूस बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। घटना का विवरण। प्रांतीय श्री हुक्माराम पुत्र श्री हेमाराम जाति जाट उम्र 30 साल पेशा ड्राइवर निवासी सेतराव पुलिस थाना रामसर ने दिनांक 1 दिसंबर 2021 को उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि वाहन को राजगढ़ से जोधपुर आया जोधपुर से सांचौर जाने हेतु दिनांक 1 दिसंबर 2021 को सुबह समय करीब 2:15 बजे लेकर पटाऊ सरहद भारतमाला सड़क के पुल को पार करते समय मेरे ट्रक के आगे अचानक बलेरो गाड़ी बिना नंबर की व एक वाहन कैंपर बिना नंबर की जिसमें करीब 8 लोग सवार थे एवं उक्त दोनों गाड़ियों मेरे ट्रक के आगे घेराबंदी कर मेरे से लूट व डकैती करने के इरादे से मेरे ट्रक को रुकवाया। तब मैंने ट्रक को रोका तो उक्त दोनों गाड़ियों में सवार लोगों मेरे पास आए एवं मेरे से छीना झपटी कर मेरे से मोबाइल छीन कर ले लिया एवं मुझे कहा कि हमें 50,000 रुपए दे, तो मैंने रुपए देने को मना कर दिया तो उक्त सभी ने मिलकर मुझे मेरे साथ खलासी रमेश कुमार पुत्र द्वारका राम जाति देवासी निवासी बोले के साथ भी छीना झपटी कर मारपीट की एवं लूट के इरादे से पिस्तल दिखाई। तब हम डर गए एवं हम दोनों पकड़ कर उक्त लोगों ने बलेरो गाड़ी में अपहरण करने की नीयत से गाड़ी में डाल दिया एवं उक्त गाड़ी में सवार लोग द्वारा हमारे से ट्रक में माल गवार चोरी को जबरदस्ती लूट कर ले लिया एवं उक्त लोग ट्रक लेकर भाग गए एवं मुझे व मेरे खलासी रमेश कुमार को बलेरो में डाल सुबह करीब 6 बजे बागुंडी सरहद में सुने स्थान पर छोड़ दिया, जिस पर वहां से हम सड़क पर आए राह चलते लोगों से मोबाइल लेकर ट्रक मालिक सगताराम को फोन किया, जिस पर मेरे ट्रक मालिक सांचौर से पचपदरा आए एवं मेरे साथ बीती घटना के बारे में बताया, जिससे मुलजिमान द्वारा मेरे और मेरे खलासी रमेश कुमार के साथ लूट पाट कर दोनों के मोबाइल व जेब से रुपए जबरदस्ती छीन कर ले जाने एवं हमारे कब्जे से ट्रक में माल लूट कर ले गए, जिससे मेरे साथ लूट व डकैती व मारपीट की घटना कारित हुई वगैरह पर प्रकरण दर्ज कर पतारसी माल मुलजिम शुरू की गई। पुलिस कार्यवाही प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरंत ही थाना स्तर से अलग अलग 3 टीम व थानाधिकारी कल्याणपुर मय साप्ताह की टीम गठित कर थानाधिकारी श्री प्रदीप डांगा मय टीम द्वारा घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे टोल नाकों के फुटेज खंगाली गई। पूर्व में लूट के मुस्तावा शख्सों पर नजर रखवाई गई, उनकी मौजूदगी का पता करवाया तथा तकनीकी सहायता एवं संदिग्धों के मोबाइल लोकेशन के आधार पर मुखबिर की सूचना के आधार पर लगातार पतारसी करते हुए अगलोई के पास पहुंचने पर जरिए मुखबिर की सूचना मिली कि मालानी होटल तोड़ेसर पर नारायण विश्रोही चोरी की गवार चोरी बेचने की फिराक में है, जिस पर थानाधिकारी मय टीम द्वारा दबिश देकर होटल मालिक नारायण राम को दस्तायाब कर पूछताछ करने पर उक्त वारदात होटल मालिक नारायण राम एवं चोरी की लूट में षड्यंत्र रचने वाले एवं चोरी का माल खरीद करने वाले शिवलाल को गिरफ्तार कर जनता से पूछताछ कर प्रकरण में लूटी गई ग्वारी चोरी की 419 बोरी मय ट्रक नंबर RJ56 मय ट्रक नंबर RJ46 GA 6311 को बरामद कर मुलजिमान के कब्जा से एक पिस्टल में जिंदा कारतूस बरामद किया जाकर डकैती की घटना में शरीक 5 मुलजिमान व डकैती की योजना में शरीक 2 अन्य मुलजिमानों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई। वारदात में शरीक मुलजिमान पहला नारायण राम पुत्र खियाराम जाति विश्नोही उम्र 42 साल निवासी गुदारे की दाणी तोलेसर पुराहितान बालेसर जिला जोधपुर PS। दूसरा शिवलाल पुत्र बुधाराम जाति विश्नोही उम्र 22 साल निवासी गोदवास PS कल्याणपुर जिला बाड़मेर। तीसरा सतार खां पुत्र गुफर खां जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी सातुनी चारणान PS मंडली जिला बाड़मेर। चौथा अशोक सिंह पुत्र पूक सिंह जाति राजपुरोहित उम्र 24 साल निवासी सातुनी पुरोहितान PS मंडली जिला बाड़मेर। पांचवा छोटू का पुत्र जले खां जाति मुसलमान उम्र 20 साल निवासी सातुनी चारणान PS मंडली जिला बाड़मेर। मुलजिमानों के विरुद्ध पूर्व में दर्ज प्रकरण निम्न है। 5 अरब का पुत्र निब्बे खां जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी बड़नामा PS पचपदरा जिला बाड़मेर।
छह साबू का पुत्र नसीर खां जाति मुसलमान उम्र 21 साल निवासी नयापुरा पीएस 55 जिला बाड़मेर शिवलाल के विरुद्ध पहला प्रकरण संख्या 66/13 मार्च 2020 धारा 457 380 भादस पुलिस थाना बोरनाड़ा पैडिंग कोट दूसरा प्रकरण संख्या 220/16 जनवरी 2019 धारा 323 341 342 392 भादस पुलिस थाना पचपदरा नोट मुलजिमर शिवलाल पूर्व में गुटखा लूट का मुलजिम रह चुका है दूसरा सतार खां के विरुद्ध प्रकरण संख्या 29/7 फरवरी 2018 धारा 457 380 भादस पेंडिंग ट्रायल कोर्ट दूसरा प्रकरण संख्या 128/1 अगस्त 2017 धारा 341 323 365 384 120 भादस पेंडिंग ट्रायल कोर्ट तीसरा प्रकरण संख्या 16/2016 धारा 143 336 452 341 323 437 427 378 भादस राजीनामा बरी तीसरा नारायण राम के विरुद्ध पहला प्रकरण संख्या 158 दिनांक 14 जुलाई 2017 धारा 307 भादस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शास्त्री नगर जोधपुर कमिश्नरेट पेंडिंग कोर्ट विशेष टीम श्री प्रदीप डागा निदेशक पुलिस थाना अधिकारी पचपदरा दूसरा श्री कैलदान उप निदेशक थाना अधिकारी कल्याणपुर तीसरा श्री सुखराम उप निदेशक थाना पचपदरा चौथा श्री भागराम उप निदेशक थाना पचपदरा पांचवा श्री गिरधारी राम उप निदेशक थाना पचपदरा छठा श्री रूप सिंह उप निदेशक थाना मंडली सातवा श्री अशोक कुमार हेड कांस्टेबल 751 थाना पचपदरा आठवा श्री दौलाराम हेड कांस्टेबल 1474 थाना पचपदरा श्री रेखाराम कांस्टेबल 1472 थाना पचपदरा दसवा श्री चेनाराम कांस्टेबल 528 थाना पचपदरा ग्यारहवा श्री हनुमान कांस्टेबल 1763 थाना पचपदरा बारवा श्री दमाराम कांस्टेबल 1800 थाना पचपदरा तेरवा श्री उत्तम कांस्टेबल 930 थाना कल्याणपुर चौदह श्री श्रवण कुमार कांस्टेबल 1524 थाना पचपदरा श्री तिलाराम कांस्टेबल 1425 थाना पचपदरा सोलहवा श्री केसाराम कांस्टेबल 1720 थाना पचपदरा सत्रहवा श्री प्रेमाराम कांस्टेबल चालक 1027 थाना पचपदरा अठारहवा श्री रंजीत कांस्टेबल 1588 थाना पचपदरा जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।